डॉक्टर जावेद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो एहतजाज हुआ है सहाफ़ी बरादरान की तरफ से, हम इनसे पूछेंगे कि आप सहाफ़त को कहाँ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज का जो ये कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर इहतमाम और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से तमाम प्रेस क्लब्स और तमाम सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी के शख्सियात और कारकुनान ने जो प्रोग्राम इंतजाज में हिस्सा लिया है, उसका बुनियादी तौर पर फोकस ये था कि गुज़श्ता कुछ अरसे से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है ना पुलिस गर्दी जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है ना झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। और दूसरा ये है, एक सिलसिला चल पड़ा है कि जो है ना मीडिया हाउसेस से जो है ना सहाफ़ियों की जबी बरतरफियाँ और जो है ना उन पर जो है ना रोज़ी के दरवाज़े जो है ना वो तंग कर दिए गए हैं। इस एहतजाज का जो है ना ये बुनियादी तौर पर फोकस है। हम ये चाहते हैं कि जो है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है ना जो पुलिस दहशत गर्दी है और झूठे मुकदमात हैं उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए और सहाफ़ियों को जो है ना इज़्ज़त दी जाए। सहाफ़ी जो है इस माशरे का जो है इस सल्तनत का जो है चौथा सतून है और इसकी जो है ना इसकी इज़्ज़त करना हम का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी इज़्ज़त करें, इस चौथे सतून को जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और हम ये चाहते हैं कि ये सहाफ़ी जो है जो बुनियादी तौर पर माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी जान माल और उनके जो है ना हर तरह का जो है ना उनको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फरमा जो है ना उसकी जो है ना यकीनदानी करा जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।